हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर सेवन। तो उससे पहले हम समझेंगे अब इरेशनल नंबर कौन से। इरेशनल नंबर फर्स्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था जो रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए जैसे कि 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। या फिर कोई नंबर ऐसा जो सोल्व करके, मान लो हमारे पास नंबर है 8, सोल्व करके हमारे पास आता है 2√2, इसे सोल्व करने के बाद 2√2 आता है, तो रूट की वैल्यू बच जाती है, तब भी ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब जब इरेशनल नंबर को सोल्व करते हैं ना, मान लो रूट टू की वैल्यू लिखी जाए, बेसिकली लोग कहते हैं रूट टू की वैल्यू 1.414 है, 1.414 ये सही है, पर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये ट्रंकेटेड वैल्यू है, ये कम करके लिखी हुई है। एक्चुअल वैल्यू इसकी कभी खत्म ही नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू इसकी कभी खत्म नहीं होगी। जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाए, तो एनसीईआरटी में गिवन है रूट टू की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू एक्चुअली में क्या है? रूट टू की वैल्यू 1.414213562375623090508801688724209 and so on, और कभी ख़त्म नहीं होती है। इसका मतलब इसके डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। देखो इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है, एक तो ये डिवीजन खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब इरेशनल नंबर क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें देखो कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं रिपीट ना हो। 4 4 1 है, यहाँ पे 4 2 आ गया, रिपीट तो नहीं हुआ। उसके बाद 2 आया, 2 के बाद 3, यहाँ पे 2 के बाद 1 था, रिपीट नहीं हुआ। 88, यहाँ भी 88 के बाद 0, 88 के बाद 7 है। देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अब इसे लिखने का, इसे बनाने का एक पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इस नंबर्स को लिखने का और नंबर्स को बनाने का। सबसे पहले हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। हमें कोई 3 एग्जाम्पल्स देनी है इरेशनल नंबर की, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो 3 एग्जाम्पल्स क्या है? यही 3 एग्जाम्पल्स लगा दो, रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, और भी लिख सकते हो, रूट नाइन नहीं लिख सकते, 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का, कोई और लिख लो, रूट एट, एट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 11, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स between rational number 5/7 and 9/11। हमने अब क्या निकालना है? पहले वाला क्वेश्चन था फाइंड द रैशनल नंबर्स, यहाँ पे फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गए, जिनकी डिवीजन कभी खत्म भी ना हो और ऊपर कभी बार भी ना आए। तो एक ये कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 7 और 9 अपॉन 11 को डिवाइड कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 बाय 7 और 9 बाय 11 को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड कर। ओके, चलो इसे डिवाइड करते हैं। पहले 5 बाय 7 की वैल्यू देखते हैं, 5 बाय 7 को डिवाइड करें, 0.77491010
टू डेसिमल तक इसकी वैल्यू निकालो, जरूरी नहीं है ज्यादा निकालनी, बस दो डेसिमल बहुत हो। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, 9/11, इसकी वैल्यू भी निकाल लो, 9/11। ये भी दो डेसिमल तक सफिशिएंट होता है। अब देखो इसकी वैल्यू है 0.77, इसकी वैल्यू आ गई 0.81। तो अब हमने क्या करना था, हमने करना था 5/7 और 9/11 इनके बीच में तीन इरेशनल नंबर्स ढूंढने थे। अब इरेशनल नंबर्स लिखने का एक पैटर्न होता है, जो यही पैटर्न हर बार अप्लाई करना है, ध्यान से देख लेना ठीक है। ये पैटर्न कैसे बनेगा, रफ नहीं है ये, फेयर ही है। इधर किन दो नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल ढूंढने थे, 5/7 और 9/11। 5/7 की वैल्यू क्या निकली, 0.71, एंड 9/11 की वैल्यू क्या निकली, 0.81। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालने, तीन इरेशनल। तो 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी तीन नंबर्स लिख लो, 0.71 से लेकर 81 तक, कितने, 72 भी आ सकते हैं, 0.74 भी आ सकते हैं, 0.80 भी आ सकते हैं। अब जैसे ये 72 ले लेते हैं पहले। अब इसे इरेशनल बनाना कैसे है, पैटर्न है। पैटर्न क्या है, अपनी तरफ से एक जीरो लगाओ, फिर 72 रिपीट कर दो, फिर दो जीरोस, फिर 72, फिर तीन बार जीरो, फिर 72 एंड सो ऑन। वैसे ये 74 है, 74, दो जीरो, 74, 000, 74 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पहले ही जीरो है, यहाँ पे पहले ही जीरो है, तो कोई और डिजिट उठा लो, बस एट ना उठाना, कोई और उठा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं उठा सकते, जो पहले है ना डिजिट वो उनमें से कोई नहीं उठाना। जैसे यहाँ 72 था, 702 था, तो यहाँ 702 नहीं उठा सकते, 702 के अलावा कोई भी, 721 ठीक है। 80 है तो 1 से करो, 1, 80, 11, 80, 11, 80, 80 एंड सो ऑन। मान लो कोई और नंबर लिखना, कोई और इससे भी लिख सकते, मान लो 72 हमने एक बार लिख चुके, 72 दोबारा लिख लो, अब 1 से लिख दो उसे, 72 11 72 111 72 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न रहता है इरेशनल नंबर्स को लिखने का। इसके साथ एक और एग्जांपल करेंगे अभी हम, मान लो इसके साथ की एक और एग्जांपल करते हैं। मुझे इरेशनल नंबर्स ढूंढनी है, मुझे इरेशनल नंबर ढूंढना है 1/2 and 1/3 के बीच में। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे, हर जना जानता है ये 0.5 के बराबर होता है, डिवाइड करके देख लो, चाहे वैसे ही 1/3 को डिवाइड करेंगे, ये 0.3 आएगा, 0.3। अब देखो 0.3 और 1/3 और 1/2 के बीच में पांच इरेशनल नंबर ढूंढने थे, 0.3 और 0.5, 0.3 एंड 0.5। अब तुम लोग कहोगे इसके बीच में सर सिर्फ एक ही है नंबर, वो कौन सा है, 0.4, पर हमने ढूंढने पांच है, कोई बात नहीं, 0.4 को पांच बार लिख लो, 0.4 को पांच बार लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5। अब कन्वर्ट करने का तरीका देखो, मैंने क्या किया, एक बार जीरो लगाई 4, दो बार जीरो लगाई 4, तीन बार जीरो लगाई 4, चार बार जीरो लगाई 4 और कंटिन्यू। अब जीरो लग चुकी है, उसकी जगह 1 लगा दो, एक बार 1, 4, दो बार 1, 4, तीन बार 1, 4, चार बार 1, 4 एंड सो ऑन। 1 लग चुका है, अब 2 लगा दो, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 4। अब 3 लगा दो, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4 मत लगाना, क्योंकि वो तो फिर 4 की सीरीज बन जाएगी, 4, 4, 4, 4, 4, और वो 0.4 की बार बन जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, सपोज करता हूँ, ये लिखना मत,
जो समझा रहा हूँ, मान लो मैं फोर लगा देता हूँ, फोर फोर डबल फोर फोर ट्रिपल फोर फोर पाँच बार फोर चार बार फोर फोर, तो देखो फोर ही बन गया, तो इसको तो मैं यही लिख सकता हूँ 0.4 की बार, क्योंकि चार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रैशनल थोड़ी ना रहा, क्योंकि जिसके ऊपर बार बनती है वो कौन सा बन जाता है, रैशनल। इसलिए वो नंबर नहीं रिपीट करना जो पहले ही प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई और, जैसे थ्री था फोर लगा नहीं सकते, फाइव लगा लो, फोर डबल फाइव फोर ट्रिपल फाइव फोर चार बार फाइव फोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा तुम लोग, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज का 1.3 का, इसमें हमने ये बताना है क्या ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। देखो अनटू 23, 23 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर नहीं, 23 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है, अगर 23 किसी का स्क्वायर नहीं है हेंस इट इज अ इरैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड रूट 225, 225 अगर देखे ये 15 का स्क्वायर है, 15 इंटू 15 225 होता, तो यहां से दो में से एक पेयर बाहर आ गया, तो ये कितना बन गया 15। अब अंडरूट खत्म हो गया, जहां से अंडरूट खत्म हो गया इंटीजर वैल्यू रह जाए वो क्या हो जाता है, रैशनल। थर्ड 0.3796। अब देखो यहां पे हमारे पास कॉन्टिन्यू का साइन नहीं है, जहां पे कॉन्टिन्यू का साइन ना हो और बार भी ना हो, इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, याद है तीन करवाए थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो जिसमें डॉट 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 ना लगा हो पीछे, नंबर के पीछे डॉट 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 ना लगाओ, वो क्या होता है टर्मिनेटिंग, और बार भी नहीं होना चाहिए, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल, ठीक है। फोर्थ 7.478478 डॉट डॉट, देखो इस नंबर के पीछे डॉट 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 लगा हुआ, पहली बात है अगर पीछे डॉट डॉट लगे इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें ये देखना है क्या ये रिपीटिंग है या नहीं, रिपीटिंग का कैसे पता लगे, क्या पैटर्न रिपीट कर रहा है, देखो 478 478 रिपीट हुआ, तो इसका मतलब इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार, अगर नंबर बार है तो वो क्या होगा, रैशनल। फिफ्थ फिफ्थ मुझे गिवन है 1.101001000001 देखो अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले इसमें डॉट 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 लगे तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अब इसमें पैटर्न देखो यही वाला पैटर्न लगा हुआ है जो ऊपर मैंने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने वाला, पहले एक जीरो लगाई फिर नंबर रिपीट हुआ, फिर दो जीरो लगाई फिर नंबर रिपीट हुआ, फिर तीन जीरो लगाई फिर नंबर रिपीट हुआ, फिर फोर जीरो लगाई फिर नंबर रिपीट हुआ, यहाँ भी देखो पहले नंबर एक जीरो फिर नंबर रिपीट, फिर दो जीरोस फिर नंबर रिपीट, तीन जीरोस फिर नंबर रिपीट, चार जीरोस फिर नंबर रिपीट, तो ये कॉन्टिन्यू का साइन, तो जब भी ऐसा नंबर होगा वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर, ये पहचान है बच्चों इसकी, ध्यान रखना पड़ेगा ये, और जब भी इरेशनल नंबर बनाना है तो बनेगा भी इसी प्रोसीजर से, इसी पैटर्न से, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे तुम लोगों की 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है, अब चलेंगे हम 1.4, 1.4 में आएगा मैग्निफिकेशन, रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन,
अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज और विजुअलाइज की जगह बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं बच्चों, विजुअलाइज, लोकेट, मैग्निफाइंग, मैग्निफाई, विजुअलाइज, लोकेट, 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक लाइन बना लेंगे, हमने एक लाइन लगा ली, नंबर क्या है 3.765, ठीक है थ्री नंबर है, तो 3.7 किसके बीच में लाई करेगा, ऑब्वियस है ये नंबर है जो 3, 4, 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 3.7 है कुछ, तो 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.3, 1.3, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, सब 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे, तो ये नंबर भी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लो पहले, मर्जी है जितनी मर्जी बड़ी बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबसे पहले क्या है देखो अब करना कैसे है, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 3.765, सबसे पहले नंबर लाइन बना है, तरीका समझा रहा हूँ कैसे करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन बनाने के बाद पहले दो डिजिट्स देखो 3.7 किसके बीच में लाई करेंगे, 3 और 4, जिनके बीच में 3.7 लाई करेंगे पहले उन दोनों को सर्कल कर लो, सर्कल कर लिया, अब नीचे क्या करो, नीचे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, नीचे क्या करना है 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, ठीक है, इस पॉइंट को 3 से जोड़ दो, इधर वाले पॉइंट से, ये आ गया 3, ठीक है, अब जिसमें 10 सेंटीमीटर लगाओ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9 के बाद 4 आता है, तो इसे 4 से ज्वाइन कर दो, यहाँ पे लिखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, अब एक डिजिट और उठा लो 3.76, अब जो 3.76 होगा ना वो इससे पीछे वाले कौन से डिजिट्स थे 3.7, तो जो 3.76 होगा वो 3.7 और 3.8 इनके बीच में लाई करेगा, 3.7 जो इससे पीछे वाले दो डिजिट से और इससे एक आगे वाला 3.8, तो वैसे ही फिर से एक सक्सेसिव और बना लो, ये कहां से शुरू होगा 3.7 से, तो ये आएगा 3.7, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8 इससे मैच हो जाएगा, 3.8 को 3.8 से जोड़, 3.7 को 3.7 से, 3.8 को 3.8 से, अब यहाँ पे लिख लो बच्चों, कई बार यहाँ पे स्पेस नहीं होती, तो एक तरीका बता रहा हूँ लिखने का कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो पेज को, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, then 3.8, देखो ध्यान से,
क्लियर, कुछ नहीं मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख दिया, सॉरी वर्टिकली लिख दिया, ठीक है। अब हमें नंबर कौन सा चाहिए था, 3.76, 3.76 ये रहा 3.76, ठीक है। अब ये 3.76 तो हमें मिल गया किसके, इन दोनों के बीच में ये मिल गया 3.76। अब हमें क्या चाहिए, 3.765। अब 3.765 ये कहाँ पे लाई करेगा, पिछले वाला पैटर्न क्या था 3.76, तो 3.76 और इससे एक आगे वाला, 3.76 और इससे एक आगे वाला, ये आएगा 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.768, ओके सॉरी 3.76 से शुरू होकर 3.77 तक जाएगा, 3.77। तो यहाँ पे नंबरिंग वैसे ही वर्टिकली लिख दो, बोल रहा हूँ बच्चों पता लग जाएगा, कुछ नहीं है नंबरिंग लिखनी है, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। तो मैंने नंबरिंग लिख दी, देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया यहाँ पे, नंबरिंग लिख दी हॉरिजॉन्टली। अब नंबर क्या था, 3.765, तो 3.765 ये रहा नंबर, तो इस नंबर को सर्कल कर दो, इस नंबर को नीचे ले आओ, यहाँ पे लिख दो पी, वेयर पी रिप्रेजेंट, वेयर पी रिप्रेजेंट नंबर 3.765। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और समझाएंगे, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो।